नमस्कार दोस्तों, भारत और बेल्जियम के बीच टोक्यो ओलंपिक का पहला सेमीफाइनल हॉकी में खेला गया दोस्तों, जहां आपको बता दूं कि भारत बेल्जियम से 5-2 से हार गया। लेकिन हार जीत तो लगी रहती है दोस्तों, लेकिन जिस हिसाब से यहां पे हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई वो बेहद ही सराहनीय था। आपको बता दूँ कि 41 साल बाद यहाँ पर सेमीफाइनल में जगह बनाया था भारतीय टीम ने। जब मैच शुरू हुआ तो करोड़ों भारतीय फैंस दोस्तों सुबह उठ के ही मैच का नज़ारा देखने बैठ गए थे। उनको उम्मीद थी कि भारत सेमीफाइनल का पड़ाव पार करके फाइनल में पहुंचे ताकि सिल्वर या गोल्ड कंफर्म हो सके। पहला गोल बेल्जियम की तरफ से लगता जरूर है, लेकिन दूसरा और तीसरा गोल यहाँ पे मार के भारत 2-1 से लीड ले लेता है। उस समय करोड़ों भारतीय फैंस यहाँ पे झूम उठते हैं, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं भारतीय टीम का थोड़ा प्रदर्शन नीचे रहा। भारत ने काफ़ी पेनल्टी कॉर्नर दिए जिसका बेल्जियम ने पुरजोर फायदा उठाया, और अंततः स्कोर की बात करूं तो 3 लगातार गोल किए 2-1 से पिछड़ने के बाद। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और टोटल अगर फाइनल स्कोर की बात करूँ तो पिछड़ने के बाद 4 स्कोर किया, वहीं बेल्जियम ने अंततः मैच समाप्त होने तक भारत को 5-2 से हरा दिया। इस हार का पूरे भारत पर गहरा सदमा पड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके भारतीय प्लेयरों को सराहना दिए कि हार जीत लगी रहती है, आप बेहतरीन खेले। लेकिन आपको बता दो दोस्तों कि भारत की अभी भी मेडल का इंतजार खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। उसमें से जो हारेगा उसके साथ भारत ब्रॉन्ज मेडल के लिए यहां पे भिड़ेगी। अगर वो जीत जाती है भारतीय टीम तो यहां पे ब्रॉन्ज मेडल कन्फर्म हो जाएगा।